रिप्रेस कर पाए। रिप्रेस करते ही आप देखेंगे एकदम वाउचर एंट्री में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे हमें कुछ खर्चों में एंट्री करना है, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंसेस कोई भी हो उन्हें भुगतान करना पड़ता है। इसलिए वाउचर एंट्री में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी प्रकार के खर्चों की एंट्री पेमेंट में हो, सभी चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए वो एंट्री करेंगे पेमेंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं डीआर ऑप्शन आ रहा है, तो जो डीआर सीआर जो है इसको आप बाय टू करना। पहले तो बाय टू आता था, किसने सेटिंग चेंज की हो तो सेटिंग चेंज आप भी कर सकते हैं, दोबारा में चेंज भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर प्रेस करेंगे F12, F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा डेबिट क्रेडिट फ्रॉम ट्रांसफर। हाँ लिखा है यू सी आर डी आर इंस्टीड ऑफ 2y ड्यूरिंग एंट्री। अब इनको 2y को लेना है तो ये नो कर देंगे, और डी आर सी आर लेना है तो यस कर देंगे। अब इनको बाय भी लेना है तो अपन यहाँ पर नो कर देंगे। क्या एक ही बात है? देखो सी आर मतलब 2, डी आर मतलब 12, एक ही बात। आप सी आर डी आर भी ले सकते हैं, बाय टू भी ले सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, आपको जैसे अच्छा लगे वो ले सकते। तो अपन ने यहाँ पर नो कर दिया, एंटर प्रेस करते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं दोनों में जो आप बाद देखिए। अब उसके बाद अपन यहाँ पर खर्चे का नाम लिखते हैं और देखिए जो भी खर्च करता है, माना कि अपन ने कमीशन दिया है तो सी टाइप कर देंगे अपन। यहाँ पर कमीशन आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे कितना दिया है, माना कि 3,000 रुपये दिया है, लिखते हैं 3,000 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे, नगद दिया है तो यहाँ कैश लिखेंगे अपन। इंटरप्रेस करते चलेंगे कैश रेट करने के बाद, और नर्सल लिख देते हैं पेइंग रेट कमीशन बाय कैश। इंटरप्रेस करते नगद कमीशन, उसके बाद सैलरी दी है तो लिखेंगे बाय सैलरी। एंट्री होगी कर्म वाउचर में, तो अपन ने बाय में सैलरी अकाउंट लिखा, कितनी थी सैलरी, माना कि 3,000 रुपये थी या 4,000 लिखे, 4,000 सैलरी थी। इंटरप्रेस करेंगे, कैश दिए तो कैश लिख देंगे, चेक और दिए तो अपन बैंक में इंटरप्रेस करो, पेइंग पेड सैलरी बाय कैश। आजकल सैलरी जो भी लेते हैं वो चेक द्वारा दे या फिर अकाउंट ट्रांसफर करते, तो अकाउंट ट्रांसफर करेंगे या चेक द्वारा देंगे, दोनों कंडीशन में तुम्हें बैंक आए तो इंटरप्रेस कर देंगे। कैसे करते हैं, दोबारा लिखना है अपन सैलरी इंटर। एक बार अपन ने कैश देना सीखा, अपन चेक द्वारा देना सीखेंगे। चेक द्वारा देना है या अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसके लिए बैंक के अकाउंट बना होना जरूरी होता है। अपन अभी तक यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं बना है, कौन बना लेते हैं? पहले अपन सैलरी अकाउंट लिखते थे, माना कि 15,000 रुपये, 15,000 रुपये एंटरप्राइज करेंगे अपन। यहाँ पर अपन अल्टर सी के द्वारा बैंक का लेजर बनाएंगे, शॉर्टकट है अल्टर सी। आप डायरेक्ट वाउचर से लेजर पर पहुंचना चाहते हैं तो अल्टर सी के द्वारा पहुंच सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट, अगर एक से ज्यादा बैंकों में अकाउंट है तो बैंक का नाम ही लिखना पड़ेगा। पहले एक ही बैंक में अकाउंट, एक बैंक यूज कर रहे हैं और आप ऑफिस में ओनली बैंक अकाउंट लिख अकाउंट मिल जाए। एलआर में आप बैंक अकाउंट का नंबर लिख सकते, आपका बैंक का अकाउंट नंबर लिख सकते हैं जो भी है, उसके लिए आईएफएससी कोड लिख सकते हैं, उसके नीचे आप लिख दो 33200 82 42 4288 20, ये अकाउंट नंबर है। तो आपने अकाउंट नंबर लिख दिया, नीचे प्रेस इंटरप्रेस करेंगे, यहाँ पर आईएफएससी टाइप कर दो, आईएफएससी और डैश लगा दो, आईएफएससी डैश लगा। अब यहाँ लिखेंगे आईएफएससी कोड और इंटरप्रेस कर रहे हैं हम। अब यहाँ लिखो 075 का लिखो, बाकी आपको जाना है, यहाँ आपको बैंक का नंबर लिख सकते हैं इंटरप्रेस। समझ आ गया? तो आपने अकाउंट नंबर लिख दिया है, आईएफएससी कोड लिख दिया है, बैंक का नंबर लिख दिया है। इस तरह से इससे आप बेनिफिट ये होगा, जब आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा बैंक अकाउंट है तो आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा, सब समझ जाएंगे ये अकाउंट इंटरप्रेस करते हैं। बैंक अंडर में बैंक में ही आता है तो यहाँ पर अपन बैंक को सिलेक्ट करेंगे, सबसे ऊपर है बैंक अकाउंट, इंटरप्रेस कर देंगे अपन। और यहाँ पर एक कपल रहने देंगे, इंटरप्रेस करेंगे, हमेशा एक कपल रहना यहाँ पर आपको। मैं
नाम आप चाहें तो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, कौन सी बैंक है, SBI, UBU, इंटरप्रेस करेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पर से आप देख सकते हैं, एड्रेस यहाँ बैंक का एड्रेस आप देख सकते हैं कहाँ पर है, स्टेट लिख सकते हैं मध्य प्रदेश में तो आप इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पर मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड लिख सकते हैं आप 4-6-4-0-1, तो यहाँ पे आप बैंक की सारी जानकारी रख सकते हैं। वहां पर अकाउंट नंबर क्यों लिखा, ताकि आप बैंक के अकाउंट नंबर टाइप कर कर भी इस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जानकारी लिखेंगे उसको टाइप कर कर आप अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आपने वहां पर लिख दिया अकाउंट नंबर उसको टाइप करेंगे तो आप बैंक तक पहुंच जाएगा। इसलिए अपन ने अकाउंट नंबर वहां पर टाइप किया है, आगे अपन अकाउंट नंबर टाइप कर बैंक तक पहुंच सकते, अपन आप इंटरप्रेस करेंगे तो आपका ये रिजल्ट सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट आ गया, आप बैंक के सामने आप देख रहे हैं 15,000 रुपए अमाउंट लिखा है, ब्लैक ना होगा रेड लिखा होगा, रेड क्या लिखा है, रेड मतलब होता है कि आपका माइनस बैलेंस है, अपन ने अकाउंट ओपन किया बैंक और सैलरी बैंक में जमा कुछ भी नहीं किया, जमा को उठा रहे निकाल रहे बंद रहा है, इसलिए बता रहा है वो कि रेड है खतरा है, पहले आप जल्दी जमा करा दो तो फिर निकाल लें, ऐसा चेक बाउंस होने लगी, इसलिए यहाँ इस तरह से रेड में आपको शो हो रहा है ताकि आप सावधान हो जाए और जिसको चेक किया उस बैंक को पहले पहले बैंक में आप कर दो। इंटरप्रेस करेंगे अपन दरअसल लिखेंगे बैंक पे सैलरी बाय चेक, चेक द्वारा वेतन दिया, आगे सुनें आपने चुंगी दी है तो लिखेंगे ऑप्शन ओसी। इंटरप्रेस करेंगे अपन माना कि 500 रुपए दी है 500 रुपए लिखेंगे, इंटरप्रेस करेंगे कैश दिए कैश लिखेंगे, बैंक पे ऑप्शन दरअसल लिख देंगे अपन और इंटरप्रेस करेंगे इस तरह से, ठीक है। मजदूरी दी है वेजेस सारे खर्चों को बाय करते चलो और मजदूरी माना कि 1200 रुपए दी है, लिखिए 1200 रुपए, इंटरप्रेस कर रहे हैं अपन कैश दिए है तो कैश लिखेंगे अपन, इंटरप्रेस करेंगे नरेशन बैंक पे वेजेस बाय कैश और इंटरप्रेस, हमने आज बताया है खर्चों की एंट्री करना, बहुत पहले अपन ने एक्सपेंसेस के रिजल्ट बनाए, फिर उसके बाद अपन ने एक्सपेंसेस की वाउचर एंट्री की और अपन ने एक प्रकार ग्रुप की एंट्री आप आराम से कैसे कर सकते हैं वो अपन ने समझ लिया, ताकि आप बार बार अंडर में सेलेक्ट ना करें, ये समझ आप सबको समझ आ गए थे ना, कुछ पूछना है किसी को इसमें नहीं पूछना, ठीक है फिर आगे अपन कल समझेंगे।